वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 3 घंटे तवील अजलास हुआ। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने वज़ीर-ए-आला को 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। तफ़सीलात जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब। जी तारिक, बिल्कुल, जो 8 महकमे थे उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास जो है वो 3 घंटे तक जारी रहा, जिसमें जो 8 महकमे रह गए थे उसमें समाजी बहबूद, मादनियात, बहबूद आबादी, कानून, ट्रांसपोर्ट और इंसानी हकूक के साथ साथ दाखिला और पुलिस के जो महकमे उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, जिसमें जो 100 रोज़ा कारकर्दगी थी पंजाब हुकूमत की उसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं वज़रा की जानिब से और सेक्रेटरीज की जानिब से उसके ऊपर सवाल भी किए गए हैं, और तसली बख्श जवाब की वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो कारकर्दगी वज़रा की है उसको सराहा भी गया है। तो इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कहना था कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है एक तो वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ी है, और जो 100 रोज़ा प्लान।